मेरा नाम राहुल शर्मा है, गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 8 महीने का था जब सब हॉस्पिटलों में सबने मना कर दी थी। इसकी हार्ट की पंपिंग बहुत स्लो हो गई थी और हार्ट का साइज ग्लोबल हो गया था, सबने मना कर दिया था। लास्ट ऑप्शन सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट बचा था जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं इटनगर में डॉक्टर आरिफ सर के पास आया, उन्होंने कंटिन्यूसली 2 साल का बच्चे को ट्रीटमेंट दिया। आज बच्चा बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने में खेलता कूदता है। ये बच्चा मेरे पास में आया था जब तकरीबन बच्चा 8 से 9 महीने का था और ज्यादातर हॉस्पिटल पे जाए दिखा के आया था, वहां पे बच्चे के हार्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, तकरीबन 6 सेंटीमीटर के बच्चे का हार्ट का साइज था, फुटबॉल की तरह हार्ट था। तो ज्यादातर जगहों पे बोल दिया था कि ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ दवाएं हैं, दवाएं से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरत है बच्चे को। मैंने इसको बच्चे को ट्रीटमेंट दिया, कुछ दवाएं दी, दवाओं से धीरे 15 दिन बाद फॉलो अप बताया, बच्चे को एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं थे उन दवाओं में, दवा की डोज इंक्रीज करके और जो 3 महीने 4 महीने बाद बुलाया तो उसका जो हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे करके बच्चे के इम्प्रूव होने लगे। अब लगातार 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद में बच्चे का हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। हार्ट जो साइज जो 6 सेंटीमीटर का था छोटा हो गया, तकरीबन 3-3.5 सेंटीमीटर का ही रह गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है बच्चा, बिल्कुल सारी रूटीन की एक्टिविटीज करता है। ये अपने आप में बच्चे के लिए एक माइलस्टोन भी इसलिए है क्योंकि ऐसे बच्चे जनरली उनको अबैंडन कर दिए जाते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट आगे कुछ ऑप्शंस होते नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत कम है इस भारत में होना, ऐसे छोटे बच्चों को भी ऐसे ऑर्गन्स मिलना जो छोटे बच्चों को मुश्किल से होते हैं। दवाओं का ट्रायल ही जनरली इस बच्चों में काम करता है और बच्चे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और ये बच्चों बहुत फॉर्चुनेट रहा कि इसने दवा से अच्छा रिस्पॉन्स किया, इज परफेक्टली फाइन, परफेक्टली ऑपरेट। थैंक यू।